हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सीजीपीएससी के लिए एसीएफ एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का पहला पार्ट लेकर आया हूं, जिसका नाम है पॉलीमर। तो पॉलीमर के दो तीन पार्ट और मैं बनाने वाला हूं वीडियो। आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा स्टूडेंट्स कि एसीएफ में 2016 और 2017 में इस चैप्टर से तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मेरा सलाह ये है कि आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, कम से कम पॉलीमर चैप्टर पढ़ लें, आपको तीन क्वेश्चन मिल जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, मुझे इसे कंप्लीट करने में 2 से 3 वीडियो लगने वाले हैं, और 2 से 3 वीडियो को आप यदि पूरी तरह से देखते हैं तो आपको कम से कम 3 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। ठीक है, एक बात और मैं कहता हूं स्टूडेंट्स, पीएससी के मेंस में भी पॉलीमर से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी बच्चों को भी यही रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर कर लें। एक बात आपको इस चैप्टर को के बारे में बताता हूं मैं, कि ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन याद करने वाला चैप्टर है, तो आपको इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि छोटा चैप्टर है, याद करना पड़ेगा, और छोटा चैप्टर याद करने से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी आपको। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, हम उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। सारे रिसर्च करके मैं यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं, तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस तो हमारे पास में ये देखो, ये मेरे पास में एक क्वेश्चन ये है जो 2017 एसीएफ में पूछा हुआ है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन भी आप देखिएगा, ये आपके पास सभी के पास में क्वेश्चन पेपर तो हो गई होगा, 2017 एसीएफ का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो आप, ये भी 2017 एसीएफ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप ज्यादातर क्वेश्चन इसमें नोटिस करोगे कि थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, नाउ एक बात और देखिएगा, ये क्वेश्चन भी देखते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स मैंने लिख रखा है 2016 का ही एसीएफ का आया हुआ क्वेश्चन है पॉलीमर का। ठीक है, नाउ 2016 का भी ये भी क्वेश्चन पॉलीमर का है, 2016 का ये भी क्वेश्चन पॉलीमर का है। तो जैसा मैंने कहा, तीन तीन क्वेश्चन हर साल हर बार के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नाउ अगली बात सुनना, अगली बात क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन देखना स्टूडेंट्स। आपने क्वेश्चन में ये देखा होगा कि सारे ऑप्शंस, आप अभी पढ़ो मत, कुछ भी ध्यान मत दो, मेरी बात केवल सुन लो, है ना। सारे ऑप्शंस जो हैं वो थ्योरिटिकल ऑप्शंस हैं, मतलब इन्होंने क्या किया है, फॉर्मूला नहीं पूछा है। बहुत से बच्चे फॉर्मूले से घबरा जाते हैं, केमिकल फॉर्मूले से घबरा जाते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वीडियो, जब पूरा कंप्लीट करूंगा, तो अभी हम तो क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम मैं तो फॉर्मूला भी बताऊंगा। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो आपको थ्योरिटिकल आंसर लिखना पड़ेगा, तो मेंस के लिए भी मैं यदि बात करूं तो उसमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लेकिन एसीएफ में आप देखिए, नोटिस करना कि कहीं कोई फॉर्मूला पूछा नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, हमारे हमने ये क्वेश्चन से मैंने निष्कर्ष निकाला। एक बात और मैं बोलता हूं, हालांकि आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी तरफ से मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन इस क्वेश्चन को देखना। टेफ्लॉन पॉलीमर इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम, मतलब टेफ्लॉन एक पॉलीमर है जो मिलता है, कहां से मिलता है, चार ऑप्शन है। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक, और देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है 2017 का क्वेश्चन, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एक क्वेश्चन तो रिपीटेड है। मैं इतना रिसर्च करके बैठा हूं क्वेश्चन पेपर्स में कि आपको एक एक बातें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखा करो ताकि आपको सारी प्रॉब्लम्स आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या इसमें होगा। ये एक वीडियो में तो होगा नहीं, छोटे छोटे वीडियो को आप लाइन से देखते रहो, इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी एक बात सुनते हैं, पॉलीमर को पढ़ने के लिए आपको मेरा एक दूसरा सजेशन। पहला ये कि आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, पॉलीमर तो पढ़ ही लो। ठीक है, क्योंकि आप कोई दूसरा केमिस्ट्री का या फिजिक्स का कोई दूसरा टॉपिक पढ़ोगे ना, तो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें से क्या क्वेश्चन आएगा ये पता नहीं, पॉलीमर
पॉलीमर का सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, क्वेश्चन लिमिटेड है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो वीडियो मैं बनाकर देने वाला हूँ उसमें से 100% चांसेस हैं कि उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपके लिए अब अगला सजेशन ये है स्टूडेंट्स कि आप इन वीडियोस को जो मैं बता रहा हूँ उनको रेगुलर देखते रहना, क्योंकि आप एक बार में ये याद नहीं होगा। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो ये एक बार में याद नहीं होता है। तो आप इसको ना कुछ दिन बाद, जैसे आज एक वीडियो आज देख लिया, फिर 2 दिन बाद और वीडियो को देख लिया, फिर 2 दिन बाद और वीडियो को देख लिया, ऐसा करके ना आप रिपीट करते रहोगे, रिविजन करोगे। याद मत करना, एक बार में आप याद करने की कोशिश करोगे तो याद तो कर लोगे लेकिन उसको भूल भी जाओगे। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप इसे थोड़े थोड़े समय में देखते रहना, याद करते रहना, पढ़ लेना एक बार, बस वीडियो देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा पॉलीमर के लिए कुछ सजेशंस थे, इंपॉर्टेंट सजेशंस थे, तो आप इसको बहुत केयरफुली नोटिस करना। और स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरा सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉलीमर क्या होता है। तो व्हाट इज पॉलीमर, ठीक। तो पॉलीमर स्टूडेंट्स होता है 2 वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं? एक होता है पॉली और दूसरा वर्ड है मर्स, ठीक है। पॉलीमर्स मतलब, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी बातें आपको बता रहे हैं। तो पॉलीमर्स को हिंदी में स्टूडेंट्स कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक, ठीक है, बहुलक। तो मैनी यूनिट्स, एक यूनिट कई बार जब कंबाइन हो जाए तो उससे पॉलीमर बनता है, ठीक है। चलो एग्जांपल से बताते हैं। उसके पहले आप एक बात समझना स्टूडेंट्स, आपने तो रिएक्शन के बारे में तो पता ही है। रिएक्शन में एक तरफ क्या होता है? रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट बनाते हैं, ये तो ठीक है, ये तो पता ही है। तो और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर या कैटेलिस्ट का उपयोग किया जाता है। कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट के उपस्थिति में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर में रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब आपसे यदि मैं रिएक्शन का डेफिनेशन पूछूं, बहुत सिंपल है ना, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं, आज का वीडियो तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो से ही पूरी बातें आपको क्लियर होंगी, लेकिन ये रिएक्शन का डेफिनेशन यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि रिएक्टेंट्स आपस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर या कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया कर उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन का डेफिनेशन है। अब मैं बोलता हूँ, मैंने लिया एक मोनोमर, ठीक है, मोनोमर लिया, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर या कैटलिस्ट की उपस्थिति में, कैटलिस्ट के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है, बाद में बताऊँगा, थोड़ा पहले सुन लो, क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। और इसे मैंने कह दिया है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए पॉलीमराइजेशन को जानना जरूरी है। तो पॉलीमराइजेशन का वही डेफिनेशन है जो रिएक्शन का डेफिनेशन है। मैंने यहां पर रिएक्टेंट के जगह पे मोनोमर कह दिया है और प्रोडक्ट के जगह में कह दिया है पॉलीमर, ठीक है। तो मोनोमर आपस में एक निश्चित ताप और दाब और कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया कर पॉलीमर बनाते हैं, और इस प्रक्रम को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है, बहुलीकरण हिंदी में कहते हैं। नाउ मोनोमर, मोनोमर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं एकलक, और ये हो गया बहुलक, ठीक है। तो मैंने रिएक्टेंट का तुलना किया है, अभिकारक की तुलना किया है मोनोमर से, और उत्पाद की तुलना किया है पॉलीमर से। अब सुनना, आपने वो तो सुना ही है पॉलीथीन, ठीक है ना, पॉलीथीन, पॉलीथीन सुना है क्या? हम तो डेली यूज कर रहे हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का एग्जाम्पल एक पॉलीमर है। पॉलीथीन एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स? पॉलीमर है। तो क्या होता है कि मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और इसका नाम क्या है? इथीन। तो यही आपको नाम थोड़ा याद करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला नाम आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो इथीन का ये कितना मॉलिक्यूल है?
एक मॉलिक्यूल है, एक कण है बोल सकते हो। जिसको समझ में नहीं आता मॉलिक्यूल तो आप उसको कण समझ लें, ये छोटा सा एक कण है। अब ऐसे ही एन कण मिल गए, एन कण आपस में जुड़ गए तो ये क्या बना लिए, पॉलीथीन। तो ये कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अभी ध्यान मत दो, अभी पर्पस था पॉलीमराइजेशन को समझना। तो इथीन के एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर पॉलीथीन बना लिए। तो पॉली मतलब मैं नहीं, ये हो गया एक यूनिट, जैसे मैंने कहा ना ये मोनोमर है। अब ये मोनोमर आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर बना लिए। दोनों चीजें सेम है, बस यहां पर एक अणु है और यहां पर एक अणु, एक अणु, एक अणु, एक अणु, कई बार कंबाइन होकर, एन टाइम्स कंबाइन होकर क्या बना लिए, पॉलीथीन बना लिए। तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का जो पहला वीडियो मैंने जो बनाया है, इसका पर्पस एक्चुअली पॉलीमर को पढ़ाना नहीं था, इसका पर्पस, मेन पर्पस था आपको इस बात के बारे में बताना कि पॉलीमर कितना इंपॉर्टेंट है ACF एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।